नमस्कार मैं हूं नव्या ये बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म ओम शांति ओम को शाहरुख खान के करियर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का डायरेक्शन फराह खान ने किया था इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में थे जो पुनर्जन्म पर बेस्ट था फिल्म में एक्टर जावेद शेख ने शाहरुख खान के पिता का रोल प्ले किया एक्टर को इस रोल में काफी पसंद किया गया था जावेद शेख एक पाकिस्तानी एक्टर है और उन्होंने हाल ही में बताया कि फिल्म ओम शांति ओम के लिए उन्होंने कितनी फीस ली थी एक इंटरव्यू के दौरान जावेद शेख से पूछा गया कि फराह खान की फिल्म में काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा था इसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा कि फिल्म के लिए मेरा चयन हो गया था इसके बाद उनका मैनेजर आया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा मैंने कर दिया इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी पेमेंट के बारे में पूछा मैंने कहा कि मैं एक भी रुपए नहीं लूंगा एक्टर ने आगे कहा कि उनके लिए सबसे बड़े फक्र की बात थी कि एक्टर को शाहरुख के करियर की इतनी बड़ी फिल्म में लीड रोल करने को मिला भारत में कई सारे ऐसे एक्टर्स थे जिन्हें इस फिल्म में कास्ट किया जा सकता था लेकिन फिल्म में सिर्फ उन्हें ही लिया गया ये उनके लिए बहुत ही खुशी बड़ी बात थी इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए एक भी रुपए नहीं लिए एक्टर जावेद शेख ने आगे बताया कि इस फिल्म में जब उन्होंने फीस नहीं मांगी तो मैनेजर ने कहा कि ये रोल के खिलाफ है इसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा कि जाइए और शाहरुख खान से कह दीजिए कि वो फिल्म के लिए सिर्फ एक रुपए ही लेंगे और वो मजाक नहीं कर रहे थे बता दें कि ये फिल्म आखिर की पहली हिंदी फिल्म थी इसके पहले वो नमस्ते लंदन और माय नेम मिस एंथनी गोंसाल्वेस जैसी मूवी में भी काम कर चुके हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद